तो अभी हम लोगों ने ग्वालियर से मुरैना के लिए बस चेंज कर दी है, और सिपरी में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हो ये है मुरैना से ग्वालियर का, और ये यहाँ पे रोड पर ही ऐसे टेडी बियर्स वगैरह टॉय वगैरह बेचते हैं ये लोग, तो अच्छा लगता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मुरैना। हाँ, वहाँ से मेरे हस्बैंड बस स्टैंड तक छोड़ गए थे क्योंकि मेरा मन था कि वो मुझे छोड़ने आए यहाँ तक, तो वो आ गए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पे, और मैं निकली थी वहाँ पे, वहाँ से सुबह 10 बजे नाश्ता वगैरह करके। वैसे मैंने सोचा था कि मैं ट्रेन से निकलूंगी सुबह 7 बजे, लेकिन पापा मम्मी ने आने नहीं दिया, तो बोलने लगे कि सुबह ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसीलिए मुझे निकलने नहीं दिया वहाँ से। और बोलने लगे कि फिर नाश्ता वगैरह करके जाना। तो बस मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, बड़े बोल रहे हैं तो बात मान लेते हैं। फिर हस्बैंड नाश्ता लेकर आ गए थे, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल आए थे, और वो मुझे छोड़ने आ गए थे वहाँ तक। हम लोग मतलब मैं और मेरे जो भाई हैं वो मुझे लेने आ गए थे रात में ही। तो हम लोगों ने सोचा था कि सुबह निकलेंगे, लेकिन फिर हम लोग 10 बजे निकले वहाँ से। और हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं छोड़ने चलूंगा, तो फिर वो भी आ गए थे साथ में। तो हम दोनों ऑटो से थे और वो स्कूटी से थे, तो तीनों मतलब वो बस स्टैंड तक आ गए थे, तो हम लोग आ गए थे बस साथ में। तो बस मैं वहाँ से 10 बजे चली थी, फिर उसके बाद में 12:30 बजे या 1 बजे के करीबन हम लोग ग्वालियर पहुंचे। और फिर ग्वालियर के बाद डायरेक्ट हम लोगों ने बस पकड़ी मुरैना के लिए। फिर मुरैना आए, हम लोग घर पे पहुंचे हैं 3 बजे। हम लोग घर पे नहीं, 3 बजे हम लोग घर पे आ गए थे, करेक्ट 3 बजे हम घर पे आ गए थे, क्योंकि बस स्टैंड से हमारा घर काफी दूरी पर है। टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट का टाइम लग ही जाता है हमारे घर तक पहुंचने तक। तो बस हम लोग वो ई रिक्शा से आ गए थे, क्योंकि मुरैना में ज्यादातर ई रिक्शा ही चलते हैं, ऑटो भी चलते हैं, लेकिन हम लोग ई रिक्शा से आ गए थे। और तो बस मैं आ गई हूँ 3 बजे करीबन अपने घर पे पहुंची। फिर उसके बाद में मम्मी ने पानी वगैरह दिया, मम्मी से मिली, बातें करी, और फिर अभी मम्मी नाश्ता लगा रही हैं। मैं बोल रही हूँ मैं नई थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो इस घर की बेटी ही हूँ, आप नाश्ता की वास्ता क्यों लगा रही हूँ, लेकिन वो नहीं मान रही है। तो वो नाश्ता लगा रही है आगे वाले रूम में, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पीछे वाले रूम में, तो वहां पे आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो चलिए वही चाय ठंडी हो रही है हमारी, पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर आप लोगों को सभी लोगों से मिलवाते भी हैं। तो यहाँ पे ये मम्मी ने लगा दिया है नाश्ता। मम्मी ने ये नाश्ता और चाय रख दिया है दोनों साथ में, तो फिर मैं भी इस टाइम पे सभी लोगों को बुला रही हूँ, मम्मी भैया और खाला को, क्योंकि घर में कोई और लोग तो है नहीं, हम 3-4 लोग ही हैं घर में गिने चुने। तो बस अभी मैं बैठ गई हूँ और बुला रही हूँ मम्मी को। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया है, और तो बस मेरा पेट अभी फुल हो चुका है, और मम्मी बोल रही है खाने की, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। मैं अभी सभी लोगों के साथ में बैठ के बातचीत कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। और अपने घर पे किसको अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सारी लड़कियों को अच्छा लगता होगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने मायके को मतलब अच्छा नहीं लगता होगा मायके में उनको, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मम्मी अभी बोल रही है कि मुझे मार्केट भी जाना है, वो इसलिए क्योंकि मम्मी सिर्फ मेरा ही वेट कर रही थी, उन्हें लेने जाना है सोफा। और तो मम्मी बोल रही थी कि मुझे सोफा लेने लेने जाना है,
और तू आ जाएगी तो फिर तेरे साथ में चलेंगे, तू अपनी पसंद का देख लियो। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, जो कि हमारे घर में अभी भी नहीं आई है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। क्योंकि हम लोग तो पहले सोच रहे थे कि अपने जो हॉल है हमारा एक घर का, तो हम लोग सोच रहे थे कि उसमें हम लोग टाइल्स लगवाएंगे, लेकिन फिर पापा ने मना कर दिया और भाई को ये ज़्यादा पसंद आ रहा था फ्लोर मैट, तो उन्होंने फिर ये लगवा दिया। तो मेरे आने से एक दिन पहले ही ये सारे काम हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये जो मैट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वुडन में नहीं है लेकिन इसका डिज़ाइन वुडन में है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही पूरे हॉल में लगवाया है भाई ने, तो अच्छा लग रहा है ये चीज़। ये चीज़ ऐसी है, इसके ऊपर कितना भी वजन रखो, कितना भी उस लो कूदो, लेकिन ये चीज़ टूटने वाली नहीं है। ये सिर्फ फटेगी लेकिन टूटेगी नहीं, और वो ऐसे भी नहीं फटेगी। ये जो चिकना फ्लोर होता है ना, उसके ऊपर लगाई जाती है एकदम चिपका के, तो ना मतलब हटने का तो चांस ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पे आराम से हम लोग ना बैठ भी सकते हैं। जब से ये लगाए ना मैंने अभी अभी देखा तो मुझे अच्छा लग रहा है, और ये लगाए तो मुझे अच्छा लग रहा है। आराम से नीचे भी बैठ सकते हैं, अगर बिस्तर बिछाना है तो बिछा सकते हैं, नहीं बिछाना है तो वो भी नहीं मत बिछाओ। और क्लीन डला रहता है तो फिर बैठने में क्या हर्ज है, बैठ सकते हैं। तो बस मम्मी अभी ये बोल रही थी मुझसे कि मार्केट चलना है, तो वहाँ से हम सोफ़ा लेकर आएंगे, क्योंकि सोफ़ा हम लोगों को चाहिए थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी सोफ़े की। और ये जो हॉल था ना, बहुत ज़्यादा खाली खाली लगता था, तो सोफ़े से कंप्लीट भी हो जाएगा, और हॉल में तो वैसे भी सोफ़ा तो होना ही चाहिए और टीवी भी होना चाहिए। तो हम लोग ये दोनों चीज़ें उठाने की सोच रहे हैं, मतलब लाने की सोच रहे हैं। तो ना मैं ये सोच रही थी टीवी लेने का, तो मैं MI की टीवी लेने का सोच रही थी। मैंने अपने भाई से भी बोला कि MI की टीवी अपन लोग ले लेंगे, क्योंकि मतलब उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने देखे भी हैं, उसमें यूट्यूब वगैरह चल जाता है, स्मार्ट टीवी है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि उसमें यूट्यूब चल जाता है, तो मुझे ये अच्छा लगा। और बहुत सारे फीचर्स उन्होंने बताए थे मुझे, लेकिन मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी उसकी। तो मुझे आप लोग बताना कि MI की जो टीवी आ रही है वो कैसी हैं, और चलती भी हैं या फिर ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि मुझे उसका कुछ भी आइडिया नहीं है अभी। तो देखते हैं हम लोग, अभी तो जा रहे हैं मार्केट, अगर वहाँ से हम लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग टीवी भी देखेंगे। मेरा तो अभी मुझे खाना नहीं है, मैं खाना वहाँ से आकर खाऊंगी। और खाने में बनाया है मम्मी ने गोश्त और रोटी और जर्दा, तो खाना अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है, मेरा पेट एकदम फुल हो चुका है, भर चुका है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि मम्मी को जाना था और मेरी वजह से वो रुकी हुई थी इतने टाइम तक, कि मैं आऊँगी तो मेरी पसंद का आएगा हर चीज़। तो बस चलिए चलते हैं अभी मार्केट, आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का मार्केट। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे सोफ़ा देखने के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में, और मैंने बोला था आप लोगों की सबसे पहले हम लोग जाएंगे सोफ़ा देखने के लिए। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं सोफ़ा देखने के लिए एक शॉप पर, और जो कि बहुत बड़ी है ये शॉप, और इसमें सब तरह के अलमीरा, सोफ़ा सेट, बेड, डबल बेड, टेबल, छोटी कुर्सी, मतलब हर तरह का फर्नीचर का सामान था, और बहुत बड़ी शॉप थी ये यहाँ की। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे सोफ़ा देखने के लिए, तो बस अभी वही देख रहे हैं और देखते हैं कौन सा पसंद आता है, वही आज तो लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम से, मतलब पहले से प्लान बनाया हुआ था कि हम लोग सोफ़ा लेंगे, तो आज वो दिन आ गया है। और आ भी गए हैं एक शॉप पर सोफ़ा देखने के लिए, तो देखते हैं कौन सा पसंद आता है, फिर वही लेकर आज तो घर जाएंगे ज़रूर। तो बस अभी ये जो रेड और वाइट में आप लोग देख रहे हो, ये वाला सोफ़ा भी हम लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन मम्मी ने ये बोला कि ये ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है, और इसका जो पीछे का टिकने वाला जो एरिया होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा पीछे था, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो अभी देख रहे हैं कौन सा पसंद आता है। और एक ये मैरून और वाइट में भी जो था ना, वो सोफ़ा भी बहुत अच्छा लग रहा था।
और हम लोगों को एक ऐसा सोफ़ा चाहिए था जो कि कंफर्टेबल भी लगे और मतलब देखने में भी अच्छा देखे, मतलब जो कुछ अलग से डिज़ाइंस होते हैं कुछ अलग ही टाइप के, मतलब ओवर टाइप के, तो वो डिज़ाइंस पसंद नहीं आते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सिंपल सा मिल जाए, कुछ अच्छा सा मिल जाए और हमारे हॉल से मैच करता हुआ भी मिल जाए। तो बस वही देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं एक दूसरे से कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक ये वाला सोफ़ा भी था जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, वाइट और डार्क ब्राउन में था, ये सोफ़ा भी अच्छा था। तो बस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और सोफ़ा भी हमारा आ गया है घर पे, जो कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था वहीं पे कि हमें कौन सा लेना है। तो ये जो शॉप वाले होते हैं उन्हीं के साइड से आए हुए हैं यहाँ घर पे डिलीवर करने के लिए। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे रखवा ले रहे हैं क्योंकि अभी डायरेक्ट अंदर नहीं रखवा सकते हैं, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ गैरेज में ही रखवा लिया है और बस अभी फिर अंदर सेट करवा लेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी ये लोग भी हैं भैया लोग, तो ये लोग अंदर सेट कर भी देंगे और हम दो लोग हैं, मतलब मेरे भाई दो लोग हैं, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा अकेले में, क्योंकि ये जो सोफ़ा था बहुत ज़्यादा भारी था और मतलब अंदर लाने में उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। तो अभी ये लोग थे तो साथ में लग जाता है, तो मैंने ही बोला था मम्मी को अभी ये भैया लोग आएंगे तो इन्हीं से ही लगवा लो, तो फिर अपन लोग अच्छे से सेट करते रहेंगे, मतलब खिसका के। और बस इसलिए अभी हम लोगों ने इसको अंदर रखवा लिया है। तो यहाँ पे बॉबी भाई देख रहे थे कि यहाँ पे ये सोफ़े में स्क्रैच आए हुए हैं, क्योंकि जहाँ जिस शॉप पर हम लोग गए थे ना वो शॉप फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वहाँ से उतारते टाइम में ना ये तीनों, मतलब सोफ़े के जो तीनों सेट आए हैं ना उन तीनों में ही स्क्रैच आए हैं। तो बस वही देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा कुछ स्क्रैच तो नहीं आया है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर अभी हम लोग यहाँ पे टेबल को ओपन करके देख रहे हैं, तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। और मैं इसको चाकू से कर रही हूँ, मम्मी भी कह रही हैं सबसे ज़्यादा टेबल यही वाला सुंदर लग रहा था। तो ये जो हमारा गुलदस्ता था वो हम लोगों ने इस साइड रख दिया था थोड़ी देर के लिए, वैसे तो उसी कॉर्नर में रखा जाता है वो। और वाकई में मसाला से ये टेबल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अभी हम सभी लोग सोफ़े के ऊपर बैठकर देख रहे हैं कि कैसा है। वैसे तो हम लोग दुकान पर ही बैठकर देख आए थे, लेकिन अभी हम सभी लोग बैठे हैं पूरी फैमिली। तो अभी बॉबी भाई मेरे उठे हैं और वो क्लिक कर रहे हैं फैमिली फ़ोटो, तो खाला को भी हम लोगों ने बुला लिया है। तो बस तो ये है हमारा सोफ़ा जो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारे घर में। और तो आप लोगों को मैं पास से दिखा देती हूँ, इसका डिज़ाइन कलर सब कुछ आप लोग देख लेना। और ये है टेबल जो कि इस टाइप से डिजाइन बना हुआ है इसमें।
टाइप से रैक भी दी हुई है इसमें, आराम से कुछ भी सामान रख सकते हैं हम इसमें अंदर, और बहुत बड़ी रैक दी हुई है इसके अंदर, दो रैक हैं। और ये स्पेस खाली दिया है जिसमें हम न्यूज़पेपर वगैरह मतलब कुछ भी रख सकते हैं, जो भी हमें रखना है, अगर खाली रहने देना है तो खाली भी रख सकते हैं हम इसको। तो बस ये था हमारा सोफ़ा, ये 3 सीटर है, ये 3 सीटर है और ये हैं 1 सीटर वाले दो, तो ऐसे ये 5 सीटर हम लोग लेकर आए हैं। और बहुत से डिज़ाइन थे इसमें लेकिन हम लोगों को यही डिज़ाइन और कलर हमें पसंद आया, क्योंकि हमारा जो हॉल का कलर है ना, सारे विंडो वगैरह मतलब सारा एक जैसा ही है, और कर्टन्स भी हम लोगों ने ऐसे ही कलर में लगाए हैं, तो मतलब कॉम्बिनेशन जो भी था वो एकदम बहुत अच्छे से मैच हो रहा था और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था, तो हम लोगों को यही वाला पसंद आया तो हम लोग यही ले लिया। और आप लोग इसका रेट पूछोगे तो वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये जो सोफ़ा है हमारा उसको बताया था उन भैया ने 19,500 रुपये का। और ये जो टेबल हम लोग लेकर आए हैं ये बताई थी 6,500 रुपये की, लेकिन हम लोग ये दोनों चीज़ें 19,500 रुपये में लेकर आए हैं, टेबल और सोफ़ा पूरा, तो ये दोनों सेट हमारे 19,500 रुपये के आए हैं, और 200 रुपये डिलीवरी चार्ज लगे हैं, जो कि यहाँ पे घर पे डिलीवर करने आते हैं तो उसका डिलीवरी चार्ज 200 रुपये लगा था दुकान से यहाँ पे। और आप लोग पूछोगे कि हम लोगों ने ये सोफ़ा लिया कहाँ से है, तो हम लोगों ने मुरैना से ही लिया है। तो बस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है अपना सोफ़ा, और ये जो फ्लोर मैट लगवाई हम लोगों ने वो भी, तो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना, और कि मैंने जो आप लोगों को प्राइस बताई है वो कैसी लगी, मतलब ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस टाइप का सोफ़ा हम लोग एक और शॉप पर देखने गए थे तो वो 21,000 रुपये का बता रहे थे, और टेबल उसमें नहीं थी, सिर्फ यही वाला सोफ़ा। लेकिन फिर हम लोगों को, और मेरे जो भाई है ना उनकी पहचान बहुत ज़्यादा है, तो उनकी वजह से मतलब उनकी पहचान ज़्यादा थी, तो इसलिए उनकी वजह से ये 19,500 रुपये का दोनों चीज़ हम लोगों को लग गई हैं, वैसे वरना एक ही चीज़ हम लोगों को 19,500 में मिल रही थी, तो इस वजह से हम लोग दोनों चीज़ ले आए हैं। और अगर हम लोग सोफ़ा लेकर आते तो टेबल फिर हम लोगों को अलग से लेनी पड़ती, और फिर फ़ायदा कुछ था नहीं, अलग से डिज़ाइन आता, तो फिर इसी के साथ में टेबल हम लोगों ने ले ली, तो अच्छा रहा कि दोनों चीज़ें एक साथ में आ गई हैं। तो बस अभी हम लोगों को बस मंगानी है टीवी, तो हम लोग देखते हैं कौन सी टीवी मंगाएं, क्योंकि मुझे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं सोच रही थी MI की टीवी या फिर सैमसंग की टीवी, जो भी हम लोगों को लेनी होगी वो देख लेंगे। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।